देन आई क्वालिफाइड नेट इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने यूपीएससी के दो इंटरव्यूज दिए हुए हैं और अभी फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो थोड़ी दिनों में डॉक्टर आदित्य केदारी भी हो जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है आदित्य केदारी ठीक है मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ तो डालते रहता हूँ अलग अलग चीज़ें डालते रहता हूँ और आप मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हो विच इज़ आर का एस अकेडमी आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के लिए अभी फिलहाल तो नहीं बोला है अन uh, अकेडमी तो उसका नहीं बता सकता और सोशोलॉजी ऑप्शनल लेके मेरे दो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं अनिल खड़से और वैष्णवी बनकर दोनों अभी फिलहाल आई आर एस की पोस्ट पर है अनिल इज़ इन नागपुर एंड वैष्णवी इज़ इन द मुंबई साइड ठीक है तो फिलहाल वो दोनों मस्त चल रहे होंगे तो चलिए uh, अभी हम, हम हमारे करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं ठीक है सो एवरीबडी भी रेडी चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सबका राइट आना चाहिए वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया अंडर द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 ठीक है ये क्वेश्चन है और आई होप मैं पोल अभी स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ही इजी क्वेश्चन है आई सपोज सबको आना चाहिए तो चलो विल टेक अप पोल चलो पोल स्टार्ट हो रहा है नया इंटरफेस है पोल हैज स्टार्टेड लेस देन ट्वेंटी सेकेंड्स टू गो हमारी रैंक क्या है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमारी रैंक क्या है ओके okay, अब तक आकांक्षा का सही आंसर आया दस सेकेंड खुशी कुमारी का सही आ गया है शुभम सिंह का सही आया है और अभी पोल खत्म हो रहे हैं ठीक है थीके? तो एक्सपेक्टेशन से काफी आ... कम लोगों ने सही आंसर दिया इसका सही आंसर है ए दैट इज इट इज द रैंक इज 57 ठीक है लोगों ने गलत आंसर दिए हैं बी आंसर दिया है बहुत लोगों ने गलत है 53 नहीं है 57 है देखिए ये जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ का जो इंडेक्स होता है ओके इट हैज बिन रिलीज बाय शर्स शार्क करके एक कंपनी है उन्होंने रिलीज किया है और एक ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर है इन्होंने ये सर्च शार्क करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्होंने ये लॉन्च किया है उन्होंने 85 कंट्रीज को कवर किया ठीक है मतलब ऑलमोस्ट 80 प्रतिशत लोग जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको उन्होंने कवर किया हुआ है उनके पैरामीटर्स क्या क्या थे अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कितना सस्ता मिलता है इंटरनेट की क्वालिटी कितनी अच्छी है अभी हम कोविड नाइनटीन में हमें समझ में आ रहा है कि क्वालिटी कैसी है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्योंकि साइबर क्राइम का इशू बहुत बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ई गवर्नेंस कितना है हमारे देश में उसका भी देखा जाएगा और जो जो नंबर नंबर पहला नंबर वन जो है देश जिसने इसमें सबसे अच्छा रैंक लाया है वो है डेनमार्क नंबर वन पे तो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में डेनमार्क सबसे ज्यादा है अगर इंडिया का अब पैरामीटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में नाइन्थ पोजीशन है जो कि काफी अच्छा पोजीशन है मतलब हमारे यहाँ पे नेट काफी सस्ता मिलता है इंटरनेट क्वालिटी 78 इंफ्रास्ट्रक्चर 79 इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी 57 तो आप देखोगे इन पैरामीटर्स में हम बहुत खराब है बहुत पीछे है ठीक है और ई गवर्नमेंट हम फिफ्टीन है जो कि डिसेंट पोजीशन है इतनी भी बैड नहीं तो लेकिन ओवरऑल हमारा फिफ्टी है रैंक आपको पता होना चाहिए ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं We'll go to the सेकेंड क्वेश्चन ठीक है ऐसा क्यों दिख रहा है आई सी एन डाउनलोडेड ये क्या होता है ऑलराइट चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हैज द इंदिरा रसोई योजना ओडिशा बिहार राजस्थान महाराष्ट्र ठीक है गुड इवनिंग टू एवरीबडी चलो कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्विज ठीक है कौन से स्टेट ने इंदिरा रसोई योजना फिलहाल में लॉन्च किया है चलिए पोल लेते हैं ओके चलो स्टार्ट द पोल है स्टार्टेड ओके सतीश जोशी रंजीत पाठक अजय कुमार बापरे शुभम सिंह बहुत लोगों ने फटाफट फटाफट आंसर दे दिए हैं वेरी गुड बढ़िया तनप्रीत ने भी सही दिया यामिनी भामरे जी ने भी बहुत अच्छा दिया है रयान प्रज्वल ने भी सही आंसर दिया है श्रीकांत भामरे ने भी भामरेज आर रॉकिंग्स ओके इज <laughs> तो पोल खत्म होने पे आ रहा है और कई लोगों के सही आंसर आए हैं इसमें कि सही आंसर अभी थोड़ा लीडर बोर्ड देख लेते हैं लीडर बोर्ड दो क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति है देखते हैं तो लीडर बोर्ड पे देखेंगे तो फर्स्ट इज शुभम गोल्ड मेडल यामिनी भामरे इज सेकंड सतीश जोशी इज थर्ड रंजित पाठक अजय कुमार तनप्रीत कौर रायन प्रज्वल भामरे श्रीकांत भामरे आकांक्षा ये टॉप टेन में चल रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम तो इसका सही आंसर है सी इट इज राजस्थान इंदिरा रसोई ये एक स्कीम है जो कि अच्छा न्यूट्रिशियस खाना गरीब लोगों को जो शहरों में रहते हैं उन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में देने वाले हैं ठीक है ये याद में जी निशा ने सही कहा आठ रुपए की प्राइस में देने वाले हैं आपने यहां पे देखा होगा मैंने लिखा हुआ आठ रुपीज पर प्लेट ठीक है राजस्थान में देने वाले हैं और अच्छा खाना देने वाले न्यूट्रिश फूड जब हम बोलते हैं तो अच्छा खाना देने वाले नॉर्मली बीस रुपए की प्लेट होती है उसको वो बारह रुपये जो बारह रुपये वो सब्सिडी देने वाले राजस्थान गवर्नमेंट और आठ रुपये का में उनको एक अच्छा खाना अच्छा खाना मिलेगा लोगों को क्योंकि अभी हम कोविड नाइन्टीन में देख रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों की जॉब जा चुकी है और बहुत सारे लोग अपने घर तक नहीं जा चुके हैं मोहन तुम रिफ्रेश करो तुम्हारा साउंड अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश करो मोहन और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो सौ करोड़ पर ईयर का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इतना खर्चा होने वाला है तो राजस्थान इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डैश हैज लॉन्च द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एन एस एफ ई टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फाइव ईयर्स 2020 से 2025 तक तो तक जो नेशनल स्ट्रेटेजी है हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए किसने लॉन्च की है इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई या एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ठीक है तो इसका पोल लेते हैं चलिए आई विल स्टार्ट द पोल ओके गाइज पोल हैज स्टार्टेड निसी फाल्गुनी निक बढ़िया बहुत लोगों का सही है सतीश यामिनी खुशी के रंजीत पुष्पेंदु उल सुशम श्रीकांत भामरे अभी भी दस सेकेंड बाकी है लोगो यू कैन कीप ट्राइंग कौन से इसमें से कौन से बैंक ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन लॉन्च किया हुआ है ठीक है और पोल खत्म हो गया है तो हम लीडर बोर्ड शेयर करेंगे लेकिन दो तीन क्वेश्चन के बात करेंगे ठीक है तो इसका सही आंसर है बी इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये हमारी अब तक की दूसरी नेशनल स्ट्रेटेजी है ठीक है पहली जो लॉन्च की थी वो 2013 में लॉन्च की थी अभी हमने 2020 में दूसरी नेशनल स्ट्रेटेजी लॉन्च की है जो कि 2025 तक 2020 से 2025 तक चलने वाली है किसके लिए उसका एम क्या है टू अचीव फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया देखिए लोगों को हमारे यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में क्या प्राइस है मार्केट में क्या चल रहा है उन लोगों को नहीं मालूम ठीक है फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं अगर मैं बोलूँ म्यूचुअल फंड्स में मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कहाँ इन्वेस्ट करना है कौन सी शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूँ शेयर्स की बात करूँ लोगों को जो फाइनेंशियली अवेयरनेस होती है कि यार लाइफ में सेविंग करनी चाहिए लाइफ में हमने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती को, कई बार हम छोटी मोटी चीज़ों में खर्चा कर देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते लाइफ के बारे में तो ये हम अचीव करने वाले हैं थ्रू दिस स्ट्रैटेजी ठीक है strategy, इसमें फाइव सीज है जिसको फोकस किया गया है कैपेसिटी कंटेंट कम्युनिकेशन ठीक है सही मोहन आरबीआई ही आंसर है कम्युनिटी और कोलैबोरेशन ठीक है ये फाइव सीज हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर जिससे वो चाहते हैं कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे फाइनेंशियल अवेयरनेस करे और इंडिया को एम्पावर करे क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल आप हो जाए मैं हो जाऊं अगर मुझे पता है कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए तो हम सब हमारे ओल्ड एज में सिक्योर रहेंगे ठीक है हमारे इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इसके बारे में हम बिल्कुल ज्यादा सोचते नहीं हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है इससे आर हमारे पूरे देश में लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डैश साइन अ कॉपरेशन एग्रीमेंट विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर रिजोल्विंग वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन बुंदेलखंड रीजन में यूपी के साथ एक एग्रीमेंट साइन की है ठीक है जो कि बुंदेलखंड आपको पता होगा कि ड्रॉट प्रोन एरिया है जहां पर सूखा पड़ता है बहुत बार तो उसके साथ यूपी के, के गवर्नमेंट के ये प्रॉब्लम रिजोल्व करने के लिए कौन से देश ने साइन किया है इसराइल रशिया सिंगापुर मलेशिया चलिए बोल लेते हैं ओके और आपका पोल स्टार्ट हो चुका है चलिए देखते हैं रायन सतीश निक इसके बाद राम खिलाड़ी गुज्जर रंजीत पाठक पालस खुशी के तनप्रीत कौर प्रज्वल भामरे बबीता पंडित स्वाति गुप्ता ओके अभी भी दस सेकेंड बाकी है काफी लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं काफी लोग गलत गलत भी आंसर टिक कर रहे हैं ओके, okay. सो so, आपका पोल खत्म हो गया है और इसका जो सही आंसर है वो है इसराइल ठीक है इसका सही आंसर इजराइल है ओके okay. इंडिया इजराइल ऑल्सो और उसके साथ ही ऑल्सो लेटेस्टली जो न्यू कल्चरल एग्रीमेंट एक कल्चरल एग्रीमेंट भी साइन किया है इजराइल और इंडिया के बीच में ताकि पीपल टू पीपल एक्सचेंज ज़्यादा हो हमारे लोग इसराइल में जाके जॉब करें वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आए हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हो क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़े दिनों पहले थोड़े महीनों पहले इंडिया ने पैलेस्टाइन को रिकोगनाइज करने से इनकार कर दिया है सो नाउ दैट इज एक तरीके से हम दिखा रहे हैं कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कई सालों तक हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे अभी हम नहीं कर रहे तो एक तरीके से ये एक ओके पोल लेट आ रहा है नोएशा को नोएशा रिफ्रेश कर लो नोएशा रिफ़्रेश करो तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है यू नो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड और सबका कुछ ना कुछ तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है हर टाइम सही क्वालिटी चलेगा नहीं होता है बट लेकिन ठीक है आप रिफ्रेश करो और रिफ़्रेश होने के बाद ज़रूर बताना कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है ठीक है तो इंडिया इसराइल ने लेटेस्ट में कल्चरल एग्रीमेंट भी साइन किए तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो बुंडलखंड रीजन है जहां पे मैंने बताया सूखा बहुत पड़ता है उसके साथ भी एग्रीमेंट साइन करके वहां का जो पानी का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो कुछ इरिगेशन में वो हमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो यूपी में उत्तर प्रदेश में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिफ्थ डैश विल बी ऑफरिंग जॉब्स बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाई कैंडिडेट्स इन द कॉमन एलिजिबिलिटी सीई टी बावर्मेंट नौकरी देने वाला है डायरेक्टली और ये आपको मैंने पिछले बार जो करंट अफेयर्स लिया था उसके अंदर मैंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हमने देखा था ठीक है तो मैंने इसके बारे में आपको पूछा था कि अभी ये ही सारे एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं सारे लैंग्वेजेस में ठीक है तो इसमें से कौन सा स्टेट है जो जो डायरेक्टली जॉब देने वाला है सीईटी बेस पे क्योंकि आज के डेट में कोविड नाइनटीन में ये जरूरत हो चुकी है चलिए पोल लेते हैं आई स्टार्ट द पोल ओके चलो पोल है ओके सतीश जोशी पलश कांदे रंजीत पाठक रोहित निशाक नोशा बबीता फाल्गुनी नम्रता तनप्रीत प्रज्वल भामरे निक्की यामिनी भरे लास्ट टेन सेकेंड्स टू गो काफी लोगों ने सही आंसर दिया है मुझे अच्छा लग रहा है मैं थोड़े मैंने आज थोड़े से सिंपल रखे क्वेश्चन तो काफी एक्यूरेसी रेट काफी अच्छी आ रही है लोगों की तो इसका जो सही आंसर है वो है डी इट इज मध्य प्रदेश ठीक है वो सही आंसर है सबका तो मैंने जैसे आपको बोला चलिए अभी मध्य प्रदेश ने ही ये स्टार्ट किया हुआ है दिस इज द राइट आंसर ठीक है जिसने अभी सीटी के बेसिस पे डायरेक्टली आपको जॉब मिलेगी तो मध्य प्रदेश ये कर रहा है तो बाकी के स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी इसे सीख लेनी चाहिए और कोविड नाइनटीन में जैसे कितना मैंने बताया कि पंद्रह लाख युवाएं हमारे युवा लोग हैं जिन्होंने जॉब लॉस की है और ये बढ़ने वाला है जैसे जैसे ये अगला साल बढ़ेगा तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है तो इसलिए मध्य प्रदेश की तरह जो बाकी के जो स्टेट्स हैं इंडिया में उन्होंने भी ऐसे जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए ठीक है तो चलिए शेयर मैं लीडर बोर्ड शेयर करता हूँ पांच सवाल हो गए हैं तो देखते हैं फर्स्ट कौन है सतीश सतीश जोशी इज फर्स्ट रंजित पाठक इज सेकंड प्रज्वल भामरे इज थर्ड प्रज्वल भामरे यामिनी भामरे शुभम सिंह को सबको चार करेक्ट आंसर मिले हैं पांच में से तनप्रीत सिक्स पे है निक रोहित राज फाल्गुनी और फा, एंड में रायन ये फिलहाल टॉप टेन में चल रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है भाई टॉप टेन चलिए अभी भी काफी क्वेश्चन आने बाकी है फटाफट सब्जन बकलअप आपको टॉप टेन में आना है डोंट गिव अप और बिल्कुल बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना नहीं है ठीक है अच्छा सर एमपी है इट्स ऑल सीट फॉर एम पी पीपल ओनली ठीक है भाई जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उन्होंने अगर कोई भी पॉलिसी करके अपने स्टेट के लोगों को दे दिया जॉब तो प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए तो भैया जॉब देना इंपॉर्टेंट है तो एम में अगर कर रहे हैं तो एम के लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोग गोवा में कर रहे हो तो गोवा के लोग ठीक है ना अब कोई तो अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टेट ने अगर ये डिसीजन ले लिया तो एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है हमारे लोगों को जॉब मिलेगी वहां पे क्राइम रेट कम हो जाएगा सुसाइड रेट कम हो जाएगा और दो दो वक्त की रोटी मिल जाएगी यार लोगों को इसलिए ये करना बहुत जरूरी है ठीक है तो एम इसका आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ एशियान ठीक है इसमें से एशियान देश कौन सा नहीं है आई थिंक ये सबको आसान होना चाहिए तो चलिए मैं पोल लेता हूँ मैंने ऑप्शन दिए मलेशिया इंडोनेशिया मालदीव और म्यांमार चलिए पोल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है ओके पलाश खुशी के रंजीत पाठक और काफी लोगों का सही आ रहा है वेरी गुड Uh, रंजीत शुभम यामिनी भामरे निक प्रज्वल भामरे अमित शेरावत मोहन अनदर टेन सेकेंड्स टू गो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान आखिरी पांच मिनट इनमें से सही आंसर बताइए और काफी लोगों का गलत भी हो गया है और इसका सही आंसर है मालदीव्स ठीक है भाई कई बार ऐसा होता है कि मलेशिया म्यांमार मालदीव इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है सही आंसर हमें ज्वाइन करना है और आ, आपके जो आंसर है वो चैट बॉक्स में मत एंटर करिए आप पोल पे टिक करिए डोंट एंटर इट ऑन द चैट बॉक्स क्योंकि चैट बॉक्स में अगर आप जब आंसर लिखते हो तो जो लीडर बोर्ड है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है तो हमें चीटिंग नहीं करनी है किसी भी टाइप की और ना ही एक दूसरे को हेल्प करना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जब आप एग्जाम लिखने बैठते हो तो कोई मदद नहीं करता है किसी की और ऐसी एक लौती एग्जाम है कि जहां पे चीटिंग नहीं होती सब जन अपना अपना पेपर लिख रहे होते हैं ठीक है तो इसका सही आंसर है सी ओके okay. तो बाकी के देश कौन से कौन से हैं इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपींस ठीक है सिंगापुर थाईलैंड ब्रूनी लाओस वियतनाम म्यांमार और देखिए इसमें मालदीव बिल्कुल नहीं है ठीक है इसमें इंडिया भी नहीं है एशियन में इंडिया भी नहीं है ठीक है तो इट द दिक्सथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ठीक है इंडिया के बीच में और इस एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स के बीच में इसलिए मैंने एशियन पे क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर्स में ठीक है अदरवाइज ये बहुत ही जीके का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है लेकिन करंट अफेयर्स में एसियान का डिस्कशन था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ ठीक है यार डेट में इधर उधर चलता है सतीश उसमें इतना टेंशन मत लो डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू वॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स ठीक है चलिए पोल लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन का सही आंसर देना है सबको ठीक है चलो पोल है स्टार्टेड आदर्श जयसवाल यामिनी भामरे राम खिलाड़ी गुर्जर उसके बाद प्रज्वल भामरे निकी निक इनके अब तक सही आंसर आ चुके हैं सतीश नौशा प्रियंका श्रीकांत और पलश ठीक है आखिरी दो सेकेंड एंड ठीक है तो इसका सही आंसर है ए दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इसका सही आंसर ए है ठीक है क्योंकि जो फेज वन है हमारा भारतमाला परियोजना में उसके अंदर थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड किलोमीटर के अब तक नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन हो चुका है ये अब तक का रिकॉर्ड है क्योंकि अब तक इतना कभी हुआ नहीं है और अभी 2019-20 में जो पिछला साल था अब तक अराउंड 4000 किलोमीटर हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है दिस इज द हाईएस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन अचीव्ड आज के डेट में इतना कंस्ट्रक्शन हाईवे का अब तक कभी नहीं हुआ तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है गवर्नमेंट की कि नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं ठीक है तो भारतमाला परियोजना ये जो प्रोजेक्ट है इट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके डैश गवर्नमेंट एंड टेन आर्म्ड इथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री इन द कंट्री बोले तो इंडिया साइन नेशनल सीज फॉर एग्रीमेंट एक नेशनल सीज फॉर एग्रीमेंट मतलब एक दूसरे पे गोलीबारी नहीं करेंगे एट द यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस ठीक है तो कौन सा देश है वियतनाम बांग्लादेश म्यांमार या कंबोडिया चलिए देखते हैं पोल स्टार्ट करेंगे ऑल right. चलो पोल है सतीश जोशी पलाश कांदे उसके बाद पोल खत्म होने पे आ रहा है निक तनप्रीत कौर प्रियंका रॉय प्रज्वल भामरे रोमियो विकास ओके लास्ट सेवन सेकेंड्स टू गो चलो काफी लोगों ने सही दिया है आंसर लास्ट टू सेकेंड्स तो इसका सही आंसर है म्यांमार देखिए हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि म्यांमार एक ऐसी कंट्री जहां में बहुत सारे ट्राइब्स अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं इथनिक इथनिक ट्राइब्स हैं वो सारे और म्यांमार का जो गवर्नमेंट है वो इनको उन, उनको ज्यादातर एक्सप्लोर्टेशन हो रहा है उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी रोहिंग्याज अगर आपको पता होगा पिछले साल काफ़ी लोग हमारे देश में एंटर कर गए बांग्लादेश में एंटर कर गए रिफ्यूजी कैंप्स हमने वहाँ पे किए हुए हैं और हमने म्यांमार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जल्द से जल्द इसको आ, इन लोगों को वापस ले लीजिए तो अभी इसके वजह से बहुत सारा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत झगड़ा है फायरिंग होती है इन इन आर्म्ड इथनिक ग्रुप्स मतलब जो गोलीबारी करते हैं गवर्नमेंट पे वहाँ के मिलिट्री ऑफिशियल्स को मारते हैं

तो बर्माज में देखिये बुद्धिस्ट कॉन्स्टिट्यूट एट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दिस इतनी ग्रुप्स आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट लैंड ये अपनी खुद की जगह मांग रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि म्यांमार देगा ठीक है 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोवाइडेड सिक्स सेल्फ म्यांमारिस्ट्रेड जोन सच एज नागा पाओ, दानू एंड क्या नाम है वाह तो ये सारे उन्होंने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट जोन अभी वो बोल रहे कि नहीं हमें पूरा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जगह चाहिए जो कि मुश्किल है ठीक है इन ऑर्डर टू फिक्स दिस इश्यूज एग्रीमेंट आर बिंग साइन बिटवीन म्यामार एंड दिस ग्रुप देखिए गोलीबारी करने से तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं तो आपको बात करना पड़ेगा तो उसके लिए फायरिंग नहीं कर पे फायरिंग करने की आपको जरूरत नहीं है तो बात करने के लिए स्टॉप फायरिंग तो अभी कर दें हम देखते हैं उनके क्या बात होती है और उनमें क्या डेवलपमेंट होती है हम देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फॉल्स ठीक है इज फॉल्स इट इज अ अटैच्यूटरी बॉडी इट एडवाइजेज द गवर्नर ऑन डिसक्शन ऑफ एम एल ए रिसेंटली राजीव कुमार हैज बिन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ठीक है चलिए पोल लेते हैं लेट सी इसका सही आंसर क्या है चलो पोल है स्टार्टेड निसी प्रियंका रॉय खुशी के, के सही आंसर्स हैं यामिनी भामरे पुष्पेंडु चैटर्जी प्रज्वल भामरे अभी भी अठारह सेकेंड बाकी हैं नाइन सेकेंड्स टू गो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है तो उसके बाद सतीश जोशी श्रीकांत भामरे इन सबके करेक्ट आंसर आए हैं ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वह फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 अंडर आर्टिकल 324 324 फोर तीन जो आर्टिकल नंबर है हमारे भारतीय संविधान में उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत की गई है तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी किया गया है स्टेट सर्विसेज का भी किया गया है उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी किया गया है अगर कोई लॉ बनाता है किसी बॉडी को तो उसको स्टैचुटरी बॉडी बनाया जा बोला जाता है जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं ना तो वो एक स्टैचुटरी अथॉरिटी है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है ठीक है तो दे आर स्टैचुटरी पोजिशन ठीक है ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया वो भी हो गया ठीक है तो चलिए शेयर बोर्ड शेयर में लीडर बोर्ड शेयर करता हूं देखते कौन कौन सा, कौन कौन सा से पोजिशन पे है ओ हो, हमारे पास एक नए लीडर हैं फर्स्ट पे प्रज्वल भामरे नए लीडर हैं टाइमिंग के हिसाब से जल्दी है प्रज्वल जी तो फर्स्ट पे हैं सेकंड सतीश जोशी थर्ड यामिनी भामरे फोर्थ इज शुभम सिंह उसके बाद रंजीत पाठक फिर निक पलाश कांदे श्रीकांत भामरे तनप्रीत कौर और खुशी के तो ऐसा ये चल रहा है तो काफी नए लीडर आ गए हैं रेस में तो चलिए देखते हैं आगे एंड तक कौन टिकता है टॉप टेन में मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन कॉल डैश मॉनिटर ग्रोथ लोकेशन स्पीशीज डिटेल्स एंड विल मेंटेन टारगेट्स अचीवमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स कि भैया ऐसा कौन सा एप्लीकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है जो कि ये जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग झाड़ होते हैं ना उनकी स्पीशीज हो गई कौन से कौन सी जातियाँ हैं कौन से कौन से, से, से जगहों पर उनको प्लांट किया गया है उनके सारे बारे में उनके उनके टारगेट्स भी होते हैं कि इतने इतने प्लांट्स को हमें लगाना है हमें उगाना है तो वो प्लांट वो टारगेट्स भी अचीव हुए कि नहीं तो इसमें से कौन सा सही एप्लीकेशन का नाम बताना है आपको हरी मार्ग ग्रीन मार्ग वातावरण और वातावरण और हरिपत ठीक है तो चलिए देखते हैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं चलो तो पोल स्टार्टेड हाउ मेनी लर्नर्स जी मैंने नहीं देखे कितने हैं मैं बस इंटरेस्टेड हूं कौन सही आ रहा है कौन लर्नर्स आते रहेंगे देखते हैं सतीश जोशी पलश कांदे फाल्गुनी बलवंत आनंद राम खिलाड़ी गुर्जर रंजीत पाठक बबीता पंडित यामिनी भामे आशुतोष शुभम सिंह सजिता पठानी कौर आशीष अठवाल प्रज्वल श्रीकांत आयुष और रजनी जी बिल्कुल तो हमने इसका जो सही आंसर है टेंथ का वो है डी दैट इज हरी पथ ठीक है दिस इज द राइट आंसर फॉर नंबर टेन ठीक है लीडर बोर्ड में बाद में शेयर करता हूं अभी नहीं थोड़ी देर के बाद एक दो क्वेश्चन के बाद ठीक है तो अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कौन से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं रिगार्डिंग वेस्ट नाइल वायरस वेस्ट नाइल वायरस इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बताने द वेस्ट नाइल वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन युगांडा इन नाइनटीन थर्टी सेवन पहला स्टेटमेंट इट वॉज कैरिड बाय मॉस्किटोज एंड वॉज स्प्रेड टू ह्यूम बाय बर्ड्स ठीक है मॉस्किटोज से यह स्प्रेड हुआ और ह्यूमन में बर्ड्स के वजह से आया तो वेस्ट नाइल वायरस इज अर एन ए वायरस एक आर एन ए टाइप का वायरस होता है उसकी वजह से हमें फीवर आता है वेस्ट नाइल फीवर बोला जाता है उसे एंड वेस्ट नाइल वायरस वॉज रिपोर्टेड इन केरला इन ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है इन में से कौन से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमें टिक करना है ठीक है चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं चलो चलो गाइस फटाफट फटाफट हो गए निशी फाल्गुनी बबीता खुशी रागिनी प्रज्वल भामरे आकाश सिंह श्रीकांत बामरे ऑल राइट तो आपके पास दस सेकेंड बाकी हैं सबके पास बीकॉम बिहारी बाबू ठीक है आपका भी सही आ गया है सही लास्ट फोर थ्री टू वन ठीक है खत्म तो देखते हैं इसका सही आंसर है सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉल्स है और वो है नंबर टू इट वाज कैरिड बाय बर्ड्स एंड वाज स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय मॉस्किटोस ठीक है तो इसका सही आंसर है बी ठीक है इट वाज़ कैरिड बाय बर्ड्स एंड एंड वाज़ स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय मॉस्किटोज चलिए अभी थोड़ा लीडर बोर्ड देख लेते हैं कौन कहाँ पे सिचुएटेड है ओके okay, प्रज्वल भामरे नंबर वन पे है नंबर टू पे सतीश है नंबर थ्री पे यामिनी भामरे हैं फिर श्रीकांत भामरे हैं शुभम सिंह रंजीत पाठक पलश कांदे खुशी के इज एट तनप्रीत कौर इज नाइन्थ और निक इज टेंथ ठीक है बढ़िया लीडर ने अपनी जगह बनाई रखी है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फिर से देखो स्कीम्स मैंने बताई एक जगह पे और एक जगह पे उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं तो रोजगार योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है इनमें से आपको पढ़ना है प्रधानमंत्री रोजगार पोट साहन योजना और प्रधानमंत्री बेरोजगारी भट्ट योजना ठीक है तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं द एम्प्लॉयमेंट यूथ इन द कंट्री उनको 2000 से 3500 मंथली उनको देना पड़ेगा या आ, तो दे आर इंसेंटिव राइज टू इंक्रीज द एम्प्लॉय बेस उनको जो कंपनीज होते हैं एम्प्लॉयर के उनको 22 टक्का ज्यादा फंड मिलेगा और आखिरी जो है हमारे वन मिलियन अनएम्प्लॉयड यूथ को उनको जॉब देनी है ऐसे तीन ऑब्जेक्टिव है तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अपना टाइम लीजिए और सही आंसर टिक करिए तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का उसका सही आंसर आपको टिक करना है एंड इट है चलो ओके विक्रम चौहान राम खिलाड़ी गुर्जर भावना वर्मा प्रियंका रॉय सतीश जोशी खुशी के शुभम सिंह निकी तनप्रीत कौर प्रज्वल भामरे पुष्पेंदु चैटर्जी और दस सेकंड बाकी है और ये आपका खत्म हो गया तो इसका सही आंसर है ए ठीक है ये वाला सही आंसर है कि रोजगार योजना की जो ऑब्जेक्टिव वो है इनको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है फॉर मोर देन वन मिलियन अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी योजना है एक मिलियन से भी ज्यादा जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी दिलानी है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है वो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में से बाईस का उनको जाएगा ता, अगर वो एम्प्लॉय का बेस बढ़ाते हैं और जो एंड में है, बेरोजगार भट्टी योजना प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना उसमें जैसे मैंने बोला हर महीने में उनको दो हजार से तीन हजार पांच सौ का मंथली बेसिस पे उनको पैसा मिलेगा ठीक है अनएम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड लोगों को तो इसका आंसर ए है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक फू आई सपोज मैं सही उंस कर रहा हूं सॉरी अगर मेरा pronunciation गलत होगा क्या फू पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री थाईलैंड मलेशिया मालदीव या म्यांमार तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता है नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आता है तो ये आपका पोल स्टार्ट हो चुका है